हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्रत्येक गैलेक्सी में करीबन 1,00,000 करोड़ तारे मौजूद हैं, यानी पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक रेत के कण के लिए ब्रह्मांड में करीब 10,000 तारे हैं। और हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक गैलेक्सी में खरबों की संख्या में प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां जीवन संभव है, और उनमें से कई सारे अब तक बहुत एडवांस हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी हमें आज तक कोई एलियंस क्यों नहीं मिले हैं? एलियंस के होने के इसी विरोधाभास को हम द फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 20,000 करोड़ तारे हमारे सूर्य के आकार के हैं और औसतन इनमें से हर 5वें सितारे के पास एक हैबिटेबल प्लैनेट मौजूद है जिनमें जीवन मौजूद हो सकती है, परंतु फिर भी हमें आज तक उनके होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम इस सवाल के जवाब के लिए कुछ आइडियाज़ और सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो गाइज, मैं हूँ कौशिक और आप देख रहे हैं अंतरिक्ष टीवी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इंटरस्टेलर ट्रैवल बेहद मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हमें अत्याधुनिक स्पेसशिप की ज़रूरत होगी, जिसकी रचना कर पाना हमारे करंट टेक्नोलॉजी के जरिए बेहद मुश्किल है। अगर हम फिर भी ऐसे स्पेसशिप्स की रचना कर लेते हैं जो लाइट के स्पीड से चलती है, तो भी हमें हमारे नज़दीकी सितारों तक जाने में हजारों साल लग जाएंगे। यानी हमें ऐसे स्पेसशिप्स की रचना करनी होगी जो मनुष्यों को हजारों साल तक जीवित रख सके। अगर हम ऐसे टेक्नोलॉजी बना भी लेते हैं और हजारों साल के सफ़र के बाद किसी हैबिटेबल प्लैनेट तक पहुंच भी जाते हैं, तो भी हो सकता है कि वहां जीवन बचा ही ना हो, या फिर वह प्लैनेट तबाह हो चुकी हो। क्योंकि हम जिन प्लैनेट्स को आज पृथ्वी से देख रहे हैं वह उसके बीते हुए समय का एक दृश्य है, और हो सकता है कि आज वहाँ वैसी परिस्थितियाँ ना हो। तो लाइट की स्पीड भी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। आइए बात करते हैं फर्मी पैराडॉक्स के सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन नंबर 1, द जू हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ आज से खरबों साल पहले ही Type 3 सिविलाइजेशन में विकसित हो चुके थे, और उन सिविलाइजेशन का अब तक पूरे यूनिवर्स में कंट्रोल हो चुका है, और हो सकता है कि उन्होंने ही हमारी प्रजाति को पृथ्वी में संरक्षित रखा है। जिस तरह हम प्रकृति के कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए नेशनल पार्क तथा जू का निर्माण करते हैं, उसी तरह उन एडवांस सिविलाइजेशन ने हमें यहाँ संरक्षित किया है और वे हम पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन वे खुद को हमसे छुपाते हैं। शायद वे हमें विकसित होते हुए देख रहे हैं, और वे हमसे तब संपर्क करेंगे जब हम उनके द्वारा बनाए गए मानकों तक खुद को तकनीकी रूप से विकसित कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, एलियंस हमें सिग्नल्स भेज रहे हैं लेकिन हम उन्हें सुनने के काबिल नहीं हैं। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यह एक खास संगठन है जिसे एलियन सिग्नल्स के खोज के लिए बनाया गया था। इस संगठन का कार्य पृथ्वी पर आने वाले एलियन सिग्नल्स का पता लगाना है, और इन्हें अंतरिक्ष से आने वाले कई रहस्यमयी सिग्नल्स मिले भी हैं, लेकिन इन्हें आज तक ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले हैं जिसे हम पुख्ता तौर पर एलियंस द्वारा भेजे गए संदेश कह सके। इस स्थिति में सेटी के वैज्ञानिक इसके सॉल्यूशन के तौर पर कहते हैं कि हम एक छोटी सी कल्पना कर यह जान सकते हैं कि क्यों हमसे आज तक कोई एलियंस कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। उनका मानना है कि शायद एलियंस हमसे काफ़ी एडवांस है और वे संदेश भेजने के लिए किसी और माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मनुष्य मुख्यतः रेडियो वेव्स के सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, और हम स्वयं भी रेडियो वेव्स के जरिए ही स्पेस में सिग्नल्स भेज रहे हैं, किंतु शायद रेडियो वेव्स एलियंस के लिए आउटडेटेड हो गए हों और वे अब कम्युनिकेशन के लिए न्यूट्रिनोज या लेज़र सिग्नल्स का या फिर एक तरह के गैलेक्टिक इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हों, जो कि रेडियो वेव से ज़्यादा तीव्र है और हमारी समझ के बाहर है, या फिर एलियंस इतने एडवांस है ही नहीं कि वे रेडियो वेव्स के सिग्नल्स को भेज सकें।
सन 1985 में कार्ल सैगन ने कहा था कि शायद एलियंस बहुत ही धीमी गति से या तेजी से संचार कर सकती है, जिसे हम अनेक प्रयासों के बाद भी पहचान नहीं सकते। यदि कोई सिविलाइजेशन केवल एक शब्द को संचारित करने के लिए 1 साल का समय लगाता है, तो वह हमारे लिए इतना धीमा है कि हम उसे रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, शायद एलियंस हम पर रुचि ही ना रखते हो। एलियन सिविलाइजेशन हम इंसानों पर रुचि रखती है, यह हमारा भ्रम भी हो सकता है। हो सकता है कि वे ब्रह्मांड में हमसे ज़्यादा बेहतर प्लैनेट्स पर रुचि रखते हो, क्योंकि ब्रह्मांड में पृथ्वी से भी ज़्यादा अच्छे और बेहतर संभावना वाले ग्रह मौजूद हैं, जो एलियंस के लिए ज़्यादा दिलचस्प हैं। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाने में सक्षम है, तो वे इतने एडवांस जरूर होंगे कि वे हमसे भी ज़्यादा बेहतर जगह की तलाश कर लेंगे, या फिर शायद वे इतने एडवांस हो गए हो कि उनके लिए अब ये सब कोई मायने नहीं रखती है, और उन्होंने शायद अपने लिए सिमुलेटेड यूनिवर्स का निर्माण कर लिया है। शायद उन्होंने अपनी चेतना को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में अपलोड कर दिया है और उन्हें वही रहना पसंद है, यानी अब उनको हम में कोई दिलचस्पी नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 4, द रियर अर्थ हाइपोथेसिस। हो सकता है कि हमारी पृथ्वी शायद सबसे अनोखी हो और केवल यही एकमात्र स्थान है जहाँ इंटेलिजेंट लाइफ रह रही है। पृथ्वी की सूर्य से सही दूरी, इसके मौसमों में बदलाव, इसमें मौजूद पानी और वातावरण तथा कार्बन के यौगिक, यही वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसने पृथ्वी में जीवन को संभव बनाया। हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स में यह सब संभव ना हो पाया हो। यह भी हो सकता है कि वहाँ जीवन के शुरुआत की प्रक्रिया कुछ कारणों से सफल ना रही हो। पृथ्वी अपने आप में बहुत खास ग्रह है, और अगर ऐसा है कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद नहीं है, तो शायद हम ही इस ब्रह्मांड के पहले सिविलाइजेशन हैं। अब हम स्वयं को तबाह कर लेंगे, या फिर हमारे लिए एक विकसित तथा खुशहाल भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है, यह हमें वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। सॉल्यूशन नंबर 5, शायद यह संसार वास्तव ही नहीं है। शायद हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम में रह रहे हैं, यानी कि हमारे आसपास मौजूद सारी चीज़ें वास्तविक नहीं है। यह थ्योरी फर्मी पैराडॉक्स का सबसे विवादित विषय है, और इसके मानने या ना मानने पर शोधकर्ताओं में बहस छिड़ी रहती है। सन 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर प्रोफेसर निक बॉस्ट्रॉम ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस के तर्क को रखा, जिनका नाम उन्होंने द सिमुलेशन आर्गुमेंट रखा। इस थ्योरी के अनुसार हम सब शायद एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रहते हैं, जैसा कि एक वीडियो गेम, और हम इस वीडियो गेम के एक पात्र की तरह हैं, जिसे एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि किसी बहुत एडवांस सिविलाइजेशन ने हमें ऐसे सिमुलेशन वर्ल्ड में कैद कर रखा है, और हमें एलियंस नहीं मिले हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं है। परंतु आखिर वे हमें सिमुलेशन वर्ल्ड में क्यों रखना चाहते हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक यह है कि वे शायद हमारे जरिए अपने भूतकाल को देख रहे हों। हो सकता है कि वे अपने पूर्वजों द्वारा किए गए विकास का अध्ययन करना चाहते हैं, या फिर हम उनके कंप्यूटर का मात्र एक हिस्सा हो। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यह भी फर्मी पैराडॉक्स के जवाब को समझने के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इन सॉल्यूशंस में से कौन सी सबसे सही लगी और क्यों, ये हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, मैं जल्द ही आपके लिए Q&A वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो सवाल आप मेरे Instagram अकाउंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। Instagram अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप स्क्रीन पे भी मेरे यूज़र नेम को देख सकते हैं। तो जाओ और जितने क्वेश्चंस है पूछ लो, और अगर Instagram पे नहीं हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दो। और दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो Instagram में फॉलो करना ना भूलना। अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।